सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं सारे हिंदुओं को और मुसलमान भाइयों को और जो भी राम में आस्था विश्वास रखते हैं बधाई देता हूँ कि आपके सपनों का राम मंदिर बन रहा है। 5 अगस्त को उसका शिलान्यास हो रहा है। राम मंदिर बहुत खुशी की बात है। 5 अगस्त को है। लेकिन सचमुच अगर राम आज होते 2 दिन पहले उनको आप पूछते शुरू हो जाएगा कि हे प्रभु श्री राम, आप इस पृथ्वी पर क्या चाहते हैं, भजन कीर्तन का दौर तो मुस्कुराते हुए अपने कंधों पर धनुष बाण लिए हुए आपको ये बताते कि दुनिया में शांति हो, सभी लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करें, कोई भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करे, हर देश अपनी अपनी सीमा में रह के अपने जन को अपने नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान दे, और विश्व बंधुत्व की बात हो, आत्मसर भूतेश्व की बात हो, सबों के खुशहाली के लिए पूरा विश्व एक साथ मिलके कुछ काम करे। और दूसरी बात राम ये बताते कि ये मनुष्य इस पृथ्वी पर जब रचना हुई तो केवल मनुष्य ही नहीं जो चिंतनशील प्राणी है, यहाँ असंख्य जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ भी है। राम का ये आदेश होता, अनुरोध होता, और राम भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते इस दुष्ट मनुष्य से कि इन जीव जंतुओं की रक्षा भी करना। राम बोलते, मेरी पूजा मत करो, मेरे लिए मंदिर मत बनवाओ, लेकिन मैंने जो ये मंदिर बना दिया है जीव जंतुओं के शरीर के रूप में, उसमें मैं विराजमान हूँ, और उसके लिए श्रद्धा सम्मान रखो, उसकी पूजा अर्चना करो। अगर हर जीव जंतु की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनको खाने पीने की, उनको जीवन में जीने की सुरक्षा की व्यवस्था होती है, तो राम बोलेंगे कि मैं धन्य हो गया। मनुष्य, तुम सचमुच हमें पूजने के काबिल हैं, सचमुच तुम हमारे लिए मंदिर बनाने के काबिल हैं, लेकिन जब तक ये सपने तुम साकार नहीं करते, हर जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा नहीं करते, इस पृथ्वी पर शांति नहीं आती, इस पर चाइना जैसे जिंगपिंग जैसे दुष्ट रावण के रूप में रहेगा, तब तक मेरी पूजा आराधना अपूर्ण है। मुख्यमंत्री को किसी को नहीं बोला, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो भी काम करना है कर्म योग से करो, कर्म योग से करो, ऐसा काम करो कि हर व्यक्ति की जीवन की जो सुविधाएं है उसे प्राप्त हो, हर जीव जंतुओं की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, यही राम राज्य होगा, यही राम के लिए सच्ची उपासना होगी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसी में सचमुच राम की सच्ची भक्ति है और निष्ठा है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है विवेकानंद जैसे ज्ञानवान विचारवान व्यक्ति हो, योगी वीरेंद्र योगी जैसा विवेकानंद के रास्तों पर चढ़ने वाला, मानवता के कल्याण के लिए जीवन में सुख शांति सबों के लिए हो इसकी उपासना करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला, आत्मसर भूतेषु की भाषा बोलने वाला, तभी सच्ची राम के लिए निष्ठा होगी। मैं आदरणीय परम पूज्य नरेंद्र मोदी भाई से भी निवेदन करता हूं और अशोक वैसी भाई से भी प्रार्थना करता हूं कि आप सभी एक साथ मिलकर प्रेम से जीना सीखो और सब लोग मिलजुल के इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाओ। राम एक विचार है, वो विचार है सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्म सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम्। धन्यवाद।